दुर्ग नगर निगम में महापौर परिषद के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण उपलब्धि भरा रहा। 2 वर्ष को लेकर बधाई देने वालों की महापौर कक्ष में लगी रही भीड़। दुर्ग नगर निगम महापौर धीरज बाकलीवाल और पार्षदों का 2 वर्ष का कार्यकाल कल गुरुवार को पूर्ण हुआ, जिस पर निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने इन 2 वर्ष के कार्यकाल को उपलब्धियों से भरा हुआ बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया और शहर विधायक अरुण वोरा के मार्गदर्शन में 2 वर्षों में महापौर परिषद ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, ताकि शहर की जनता को मूलभूत सुविधा सुगम तरीके से मिल सके। उन्होंने कहा कि कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में भी MIC बैठक में निर्णय लेकर जरूरतमंदों तक कच्चा राशन और मजदूरों और बेसहारों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई है और शासन की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों से भरे 2 वर्ष में भी दुर्ग नगर निगम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में पूरे देश में 17वां स्थान प्राप्त किया। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए निगम के समस्त कर्मचारियों व स्वच्छता दीदियों का धन्यवाद भी अदा किया। निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि आगे भी उनकी परिषद शहर के विकास की रफ्तार को थमने नहीं देगी। इस संबंध में न्यूज टीम को शहर विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। के तौर पे जैसे आप देख रहे होंगे, नगर निगम के जो एक दल बना है विशेष कोरोना को देखते हुए, जो बाजार एरिया प्रमुख एरिया में जाके लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित कर रहा है, सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है और कहीं कहीं मास्क में पहन भी कर रहे हैं। सफाई की व्यवस्था में हमारे स्वच्छता कर्मी रोज डोर टू डोर जाके सफाई कर ही रहे हैं और जहां कोरोना संक्रमित पेशेंट पाए जाते हैं वहां सैनिटाइजिंग से लेके जो पेंटिंग के काम भी नगर निगम द्वारा ही कराया जा रहा है। तो नगर निगम वैक्सीनेशन का भी कार्य नगर निगम द्वारा ही हमारे वो वैक्सीन वो जाते हैं क्या बोलते हैं अपने कंप्यूटर ऑपरेटर लोग, तो कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर कार्य करें, लेकिन कार्य कभी खत्म नहीं होता। जनता की उम्मीदों में खरा उतरने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है आप लोगों के सहयोग और मार्गदर्शन से आगे और अच्छा काम होगा। मैं हमारे सभी पार्षद साथियों, रेडरमैन साथियों का भी धन्यवाद दूंगा जो हमेशा कंधे से कंधा मिला के हमारे MIC के साथी हो, पार्षद हो, एल्डरमैन साथी हो, जो कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ काम किए। और साथ ही मैं शहर की जनता से अपील भी करना चाहता हूँ, क्योंकि 2 लहर के बाद अब 3री लहर आ गई है और लहर नहीं सुनामी है। जैसे पेपर पत्र के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं, लगातार केस बढ़ रहे हैं, कल 196 केस आए। तो मैं सभी से अपील करूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ बार बार धोए, मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, ताकि हम इस 3री लहर से लड़ सकें। सबसे पहले मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, दुर्ग शहर के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री अरुण वोरा जी, जिनका सतत आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहा, जिसके चलते कठिन परिस्थितियों में भी, कोरोना काल जैसी कठिन परिस्थितियों में भी हम लोगों ने बेहतर काम करने की कोशिश की। पहली लहर, दूसरी लहर हमने देखा और इन दोनों लहर में नगर निगम की बहुत ही प्रमुख भूमिका रही। गरीबों पर अनाज वितरण हो, 70,000 के आसपास हम लोगों ने अनाज वितरण किया, कच्चा अनाज, पक्का अनाज, पका हुआ हम लोगों ने कोरोना काल के दौरान किया। उसके बाद भी कोरोना काल के बाद भी शहर का विकास रुका नहीं। थगड़ा बांध जैसा प्रोजेक्ट, शंकर नाला की सफाई हो, पिछली परिषद द्वारा नाले और नालियों की सफाई में करोड़ों रुपए खर्च किया जाता था, जबकि हम लोगों ने अपने स्वयं के संसाधनों से उसको किया बिना किसी व्यय के। आप खुद देखे होंगे स्वच्छता रेटिंग में पूरे देश में 17वां रैंक दुर्ग आया। तो चाहे सफाई हो, चाहे पेयजल हो, चाहे रोड हो, नाली हो, लगातार नगर निगम दुर्ग द्वारा अच्छा काम करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद भी हम इसको संतोषप्रद कहेंगे, आगे हम लोगों को और काम करने हैं जो काम कोरोना काल के चलते नहीं हो पाए। जैसे हम लोगों को तालाबों का सुंदरीकरण करना है, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने सोच के रखे हैं कोरोना काल के चलते रुके हुए हैं, उसको हम लोगों को आगे बढ़ाना है। मूलभूत सुविधाएं, इंदिरा मार्केट की जो
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है इंदिरा मार्केट, उसको हम लोगों को सुधारना है। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जो हम लोगों ने भी सोच के रखा है। जैसे आप लोक कला मार्ग देखे होंगे, बहुत ही अच्छा बन गया है। तो ऐसे बहुत से काम हुए हैं और बहुत से काम होने हैं। इनसे काम कभी पूरे नहीं होते, हम लोगों को अभी समय कम है, बहुत काम करने हैं। तो मैं दुर्ग शहर की जनता के प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि कठिन परिस्थितियों में भी हम लोगों का हमेशा उन्होंने सहयोग किया। कोरोना काल के दौरान कई जगह नगर निगम जब कड़क भी होती रही तो उन्होंने धैर्यतापूर्वक नगर निगम के बताए हुए कार्यों को किया। पूर्व आयुक्त, पत्रकार साथियों को भी मैं धन्यवाद दूंगा जो हमेशा प्रमुखता से नगर निगम की खबरों को और नगर निगम की गलतियों को भी बताते हैं, जिससे हमारी आँख हमेशा खुली रहती है। तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। देखिए, दो साल का जो कार्यकाल रहा है वो काफ़ी सफलतम कार्यकाल रहा है। मैं यहाँ के महापौर धीरज बाकलीवाल जी को और उनकी टीम के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत ही अच्छे तरीके से किया। यद्यपि डेढ़ वर्ष का जो कार्यकाल बीता वो कोरोना का था, उस कोरोना काल में हम सब लोगों ने मिलकर दुर्ग के जो प्रभावित लोग थे उन तक हम पहुँचे, दवाइयों का वितरण किया, खाद्य सामग्री उन तक पहुँचाई और शासन के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही थी उन सुविधाओं से लोगों को लाभान्वित नगर निगम की दुर्ग की परिषद ने किया। तो कुल मिलाकर जो डेढ़ वर्ष का कार्यकाल था वो कोरोना में बीता। बचत जो कार्यकाल था उसमें हमने विकास कार्यों को अंजाम दिया, जिसमें से शहर की सड़कों के लिए राशि स्वीकृत करवाई और बहुत से कार्य शुरू हुए, नहीं भी हो पाए हैं। ठगड़ा बांध का निर्माण और जो लोक निर्माण विभाग के द्वारा कार्य जो करने थे उन कार्यों को भी हमने गति दी है। हाँ, मैं लोक निर्माण विभाग के बारे में कहना चाहूँगा कि ये जो नेहरू नगर से लेकर मिनी माता तक सड़क का जो निर्माण हो रहा है वो समयावधि में पूरा नहीं हो पा रहा है, उससे थोड़ा सा असंतोष का वातावरण बना हुआ है। वहाँ पर कार्य बहुत तेज़ी से लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है और काफ़ी लंबा मार्ग है। इसमें जब से इसका निर्माण शुरू हुआ तब से अंधेरा है, जबकि अंधेरे के लायक सड़क नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है। वहाँ पर 12 करोड़ रुपए की राशि विद्युत व्यवस्था है तो स्वीकृत की जा चुकी है, ट्यूबलर पोल अब तक लग जाने चाहिए था। दूसरा 18 करोड़ की लागत से वहाँ पर डामरीकरण का भी कार्य हो जाना चाहिए था। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।